कृष्ण की चार दुर्लभ कहानियां। कहानियां यहां हम आपको सुना रहे हैं कृष्ण के जीवन की ऐसी चार कहानियां जो बहुत ही दुर्लभ हैं। जाने कि कैसे दुर्योधन की पत्नी कृष्ण भक्त हो गई, कैसे कृष्ण ने सत्यभामा के घमंड को ठीक किया, कृष्ण का सिरदर्द कैसे अजीब ढंग से गायब हो गया और क्यों कृष्ण ने अपने एक भक्त को उसके हाल पर ही छोड़ी डीएच दिया। कहानी एक, दुर्योधन की पत्नी का कृष्ण भक्त हो जाना। सदगुरु, दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। वो एक बहुत ही सुंदर लड्डी डीएच की थी और जब कृष्ण दुर्योधन के महल में मेहमान बनकर आए तब वो सिर्फ 17 साल की थी। दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा जिससे कृष्ण को नशे की हालत में लाकर कोई वादा करा लिया जाए। उसने सभी तरह की व्यवस्थाएं की और इस बात का खास ख्याल रखा कि भोज में खूब अच्छी मात्रा में शराब भी हो। दुर्योधन के दोस्त भी आए और सभी ने इतनी शराब पी कि वे सब नशे में धुत्त हो गए, पर कृष्ण ने अपने आप को शांत रखा और वे हर किसी को खुश करते रहे। इस सारे हंगामे में भानुमति ने भी कुछ ज्यादा ही पी ली, जितनी वो पी सकती थी उससे भी ज्यादा। वो एक युवा लड्ड की थी और उसे इन चीजों की आदत नहीं थी, तो वो नशे में बहकने लगी। कुछ समय बाद सभी लोग बहकने लगे और चीजें काबू से बाहर जाने लगी। भानुमति अपने पर काबू खो बैठी। वो कृष्ण से लिपट गई और उनके लिए अपनी इच्छा प्रकट करने लगी। कृष्ण ने उसे किसी शिशु की तरह संभाला और वे समझ गए थे कि स्थिति खराब हो चुकी थी। वे समझ गए थे कि भानुमति अगर कुछ गलत कर बैठी तो बाद में संभाल नहीं पाएगी और हस्तिनापुर की रानी का गौरव कलंकित हो जाएगा। इसलिए कृष्ण उसको उठाकर महल के अंदर ले गए और उसकी सांस गांधारी के कक्ष में जाकर उनके हवाले कर दिया। अगले दिन सुबह जब भानुमति को पता चला तो वो कृष्ण के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भर गई कि उन्होंने उसे बचा लिया था। तब से वो कृष्ण की भक्त बन गई।